कि जहां पर लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारियों की मासिक की बैठक संपन्न हुई है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने कहा कि जन जनवादी पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर देश के किसान नेता चौधरी मनवीर सिंह तिब्बतिया, असंगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंगार सिंह समेत अन्य लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के समक्ष पार्टी में सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीरबल चौहान, प्रदेश के प्रमुख महासचिव सत्य कुमार चौहान समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जनवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ 2 अक्टूबर को बलिया से राजदंड पदयात्रा जनवादी पार्टी निकाल रही है, जो लखनऊ होते हुए दिल्ली के किसान घाट तक जाएगी। और उस पदयात्रा की तैयारी के संबंध में आज स्टेट पदाधिकारियों को बुलाया गया था। जनवादी पार्टी अपनी राजदंड पदयात्रा इस उद्देश्य को लेकर के चला रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी देश की संसद में जो राजदंड और जिस मापदंड के अनुसार राजदंड स्थापित कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अंबेडकर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, देश का वास्तविक लोकतंत्र और प्रजातंत्र